अगली खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां कस्बा चंडौस में राम बारात के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव करने के साथ ही लाठी डंडों से लैस होकर मारपीट की, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना से आक्रोशित हिंदूवादी लोगों ने आरोपितों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। SSP कलानिधि नैथानी ने बताया कि कस्बा चंडौस में राम बारात के रूट को लेकर 2 पक्षों में गलतफहमी हो गई थी। मामले की जानकारी होने पर SDM और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। मामले को निपटने की कोशिश की गई। शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 1 व्यक्ति को चोट आई है, जिनको प्राथमिक उपचार दिलाया गया और वे सही हैं। मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है और शांति व्यवस्था कायम है। 1 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। राम बारात की शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर रही थी, जो अपने परंपरागत रूट पर आगे बढ़ रही थी। करीब 7 बजे के समथिंग हम कसेरू अड्डे के करीब पहुंचे, तो हमारे शोभा यात्रा को रोकने के लिए पहले 1-2 लड़के बाहर निकल के उन्होंने हमसे बदतमीजी की। उसके बाद में इन लोगों ने एक साथ मस्जिद में से 150 से 200 लोग निकल कर आए मस्जिद की साइड से और राम बारात पर हमला कर दिया, जिन पर लाठी डंडे और तलवारें थी। इसमें मेरे भी जो क्या पथराव भी हुआ है शोभा यात्रा पर, छतों से इन महिलाओं ने पथराव भी किया है। जब हम लोग आगे शोभा यात्रा को बढ़ाने के लिए बोले तो प्रशासन के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, तो मस्जिद पर से ये लोग निकल कर आए, हम पे एक राय होकर इन्होंने हमला कर दिया। देखिए, मैं घटनाक्रम आपको बता दूं। एक चंडौस थाना क्षेत्र है जनपद अलीगढ़ में, यहाँ पर आज शोभा यात्रा निकल रही थी। इसमें यहाँ पर इसके मार को लेकर के वहाँ पर जिसे कहते हैं कन्फ्यूजन की बात वहाँ पे सामने आई, जिस पर CO SDM मौके पर थे, उनके द्वारा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। शोभा यात्रा को किसी तरह से वहाँ पर 2 पक्ष आमने सामने हो गए थे, शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया गया। इसी बीच वहाँ पर जो एक तरह से जो झड़प वहाँ पर हुई थी, उसके बाद 1 व्यक्ति द्वारा जो आंशिक रूप से चोटिल था, उसके द्वारा बताया गया कि दूसरे पक्ष ने उसको चोटिल किया है। उपरोक्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया गया, अब वह स्वस्थ है। इस पूरे मामले में यहाँ पर मौके पर मेरे एवं जिलाधिकारी द्वारा पूरे एरिया का राउंड ले लिया गया है, यहाँ पर पिकेटिंग कर दी गई है और फिलहाल वर्तमान में यहाँ पर शांति है। जो लोग हैं उनकी बात यहाँ पर सुनी जा रही है, जिसकी जो शिकायत है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके के जो फुटेजेस हैं वो प्राप्त किए गए हैं, लोगों ने यहाँ पे फुटेजेस दिए हैं, उसको तस्दीक करते हुए वैधानिक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।